और अब बात कर लेते हैं देवभूमि की खबरों की भी, तो बताते चलें आपको, उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास बस हादसे में घायलों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि सभी मृतकों के शव देर शाम बरामद कर लिए गए थे। हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई थी और 28 घायलों को बचा लिया गया है। वहीं 14 गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि 14 सामान्य घायलों का इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही हादसे में मृतक 7 लोगों के शव को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भेजा गया है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों ने बताया कि गंगनानी के पास जैसे ही बस पहुंची संकरे मोड़ पर बस सीधे खाई में जा गिरी है। ड्राइवर ने गाड़ी को बैंड पर मोड़ने का प्रयास किया था। बस के नीचे गिरने से पहले से ट्रक क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा था और जिस पर बस अटक गई है, और यदि ट्रक ना होता तो बस सीधे भागीरथी में जा गिरती और ज्यादा लोग हताहत हो सकते थे। बस में सभी लोग गुजरात के भावनगर के रहने वाले बताए जा रहे थे और यमुनोत्री गंगोत्री धाम की यात्रा के साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए भी जा रहे थे। पौने 4 बजे करीबन एक वाहन 60 मीटर खाई में जा गिरा, जिसमें 35 लोग सवार थे। 35 में से 6 लोग मौके पे स्पॉट पे है जो देहांत हो गया। जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को, मुझे आपदा स्वयं सेवक 27 जो लोग हैं जो बस में सवार थे, उन लोगों को रेस्क्यू करके उत्तरकाशी सेफ प्लेसेस पे भेज दिया गया है। उनको छोटी मोटी इंजरी है बट वो सभी लोग सेफ हैं। इसके अलावा 7 जो लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। और तो गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास हुए इस हादसे में SDRF और NDRF जवानों का एक जत्था पहुंच गया है। उनकी समझदारी से एक यात्री की जान बच सकी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद SDRF और NDRF के जवानों ने खाई में गिरी बस से घायल का सफल रेस्क्यू किया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद इस गंभीर घायल को देहरादून रेफर कर दिया गया। दरअसल बस हादसे में ये यात्री पूरी तरह से बस में दब गया था। जवानों की समझदारी से घायल को सकुशल रेस्क्यू किया गया। हालांकि घायल को गंभीर चोटें इस हादसे में आई, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं रेस्क्यू की। ये तस्वीरें SDRF NDRF रेस्क्यू के लिए यहाँ पर मौजूद रही टीमें, और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक यात्री को बचाया जा सका। हालांकि गंभीर रूप से वो घायल हो गया था, लेकिन उसे अस्पताल ले जाया गया। कुल मिलाकर 28 घायल हैं जिन्हें भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में। गंगनानी के पास खाई में ये बस गिरी। और भी ज्यादा बड़ा हादसा ये हो सकता था, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। 28 लोग बस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चलो सवा सवा कोई बात नहीं, चलो देख रहे मंगा रहे। निकालो सवा बहुत अच्छे सवा निकालो सवा निकल गया सवा धीरे धीरे। और चलिए सीधा रुख करते हैं ज्यादा अपडेट के लिए बलबीर परमार, उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, अभी क्या अपडेट है हादसे को लेकर? 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, घायलों की हालत कैसी है? देर रात तक सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, और जो सब थे वो भी जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम रात भर किया गया, और उसके बाद सभी शवों को सुबह भेज दिया गया है जोली ग्रांट को। और इसके अलावा जो 14 गंभीर घायल है उन्हें भी ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, वहां वो पहुंच चुके हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 14 जो सामान्य घायल है उन्हें जिला अस्पताल में ही रखा गया है, डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहां पे जो जिलाधिकारी खुद गए थे और मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, तो एक दुखद हादसा ऐसे कह सकते हैं। और गंगोत्री हाईवे पे गंगनानी के पास ये घटा, और ये जो बस थी ये एक पुराना जो ट्रक था वहां पे मलबा उसका वहां पे अटक गई थी, नहीं तो बड़ा हादसा ये हो सकता था। अपडेट यही है कि सभी सबों को जोलीग्राम के लिए अभी थोड़ी देर पहले भेज दिया गया है, और जो 14 घायल है उन्हें रात को ही रेफर कर दिया गया था, और वो उनको जो एम्स है इसके वहां भेजा गया है। जी
बलवीर सर आप ये भी बताइएगा, क्योंकि ये जो सभी थे बताए जा रहे कि गुजरात के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं, इनके परिजनों को, इनके घर वालों को सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है? तो बताते चले आपको, बस में सभी यात्री गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि 7 शव को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया है और बताया जा रहा है कि गंगनानी बस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहाड़ में बारिश के दौर के बीच एक बार फिर से आफत का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। 6 जिलों के लिए यह अलर्ट है। टिहरी, देहरादून, नैनीताल के साथ चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट है। 6 जिलों की बात करें, अगले 3 घंटे में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं अलर्ट को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है और मानसून सीजन में बारिश ने कहर बरपाया है और ऐसे में लोगों की परेशानी फिलहाल खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो बताया जा रहा है कि अगले 3 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आज दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ सीएम धामी मुलाकात करने वाले हैं। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, MSME और एग्रो के क्षेत्र में भी कई सुधार किए हैं, नई पॉलिसीज तैयार की हैं। इन्वेस्टर्स समिट के बीच जाकर उन सभी से आग्रह किया है इन्वेस्ट करने के लिए, निवेशकों से आग्रह किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन्वेस्टर्स के बीच जाकर उन सभी से हम अवगत उनको कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को हम समिट के लिए आमंत्रित कर सकें। सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आज उनकी किस किस से मुलाकात हो सकती है, उद्योगपतियों में कौन कौन हो सकता है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है वो प्रस्तावित है और उसकी तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले खुद स्टेट में भी मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री सलाहकार समूह था, जो एपेक्स बॉडी थी, उसकी यहाँ पर मीटिंग ली थी जिसमें तमाम उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट उसमें मौजूद थे और उनसे मुख्यमंत्री ने राय ली कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट की उत्तराखंड को जरूरत है, किस तरह का यहाँ पर आधारभूत ढांचा होना चाहिए। उन तमाम सुझावों को कलेक्ट करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर विभिन्न उद्योग समूह, चाहे वो फिक्की हो, SOCM हो या फिर विभिन्न औद्योगिक घरानों से मुख्यमंत्री आज मुलाकात करने वाले हैं और कोशिश यह है राज्य सरकार की कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में, इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में लाया जाए। राज्य सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ का एक टारगेट रखा है कि हम इस इन्वेस्टर समिट के जरिए करीब आने वाले सालों में यहां पर 2.5 लाख करोड़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम यहां पर करा सकें। और दिसंबर में जब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहां पर शुरू होगा उससे पहले राज्य सरकार ने टारगेट रखा है कि कम से कम दिसंबर में इन टेबल टॉक के जरिए, इन बातचीत के जरिए हम यहां पर 25,000 करोड़ तक की ग्राउंडिंग कर चुके होंगे विभिन्न जो इन्वेस्टर्स यहां पर हैं। राज्य सरकार का फोकस है कि उन सेक्टर में, खासकर चाहे वो सर्विस सेक्टर की बात करें या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जो भी इन्वेस्ट उत्तराखंड में हो, जो भी इन्वेस्टर्स यहां पर आए, कोशिश ये है कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन यहां पर हो, राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हो। इन तमाम मसलों को लेकर आज मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, वो तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से एक पॉजिटिव माहौल है औद्योगिक क्षेत्र में। राज्य सरकार ने इसके लिए जो अपनी तैयारियां की हैं, जो विभिन्न पॉलिसीज हैं, उनको एक बार फिर से उनमें अमेंडमेंट किया गया है, उनको अनुकूल बनाया गया है, व्यवहारिक उन पॉलिसियों को बनाया गया ताकि यहां पर जो भी औद्योगिक घराना यहां पर आए, जो भी उद्योगपति यहां पर आए, उसको कोई दिक्कत ना हो उत्तराखंड में अपने उद्योग को लगाने में। क्योंकि आपने देखा कि 2018 में भी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तब 1,000 करोड़ के यहाँ पर MOU हुए थे, लेकिन पिछले 4 सालों में मात्र
25 से 26 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो पाया है। तो राज्य सरकार की कोशिश है कि जो काम हो वो ग्राउंड पे हो, उद्योगपतियों को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह का माहौल उत्तराखंड में है। तो आज दिल्ली से इसकी शुरुआत होने जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों में इसी तरह से मुख्यमंत्री जाएंगे, मंत्री जाएंगे, राज्य सरकार के ऑफिसर्स जाएंगे और उद्योगपतियों के बीच जाकर उनको अपनी उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि आप आइए उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुनील। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार दो बड़े मुद्दों को ब्रह्मास्त्र से तौर पर प्रयोग कर सकती है। विपक्ष को भी इस बात की आशंका है, इसलिए वो भी अभी से इसकी काट खोजने में जुट गया है। क्या है वो दो बड़े मुद्दे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपने संकल्प पत्र में दो बड़े मुद्दों का वायदा किया था। पहला ठोस भू कानून और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार बनी और दोनों ही मुद्दों पर वायदे के मुताबिक पहल भी हुई, कमेटी बनी, रिपोर्ट भी तैयार हो गई। लेकिन ये कब लागू होगा इसका इंतजार बढ़ता चला गया। तो क्या सरकार किसी उचित अवसर की तलाश में है? माना जा रहा है कि सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर निर्णायक फैसला लेकर विपक्ष को चुनाव में उतरने से पहले ही तगड़ा झटका दे सकती है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है, और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। और इसी प्रकार भू अध्यादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर भी हम एक कड़ा भू कानून लाने की स्थिति में है और बहुत बहुत जल्द इन दोनों पे हम लोग निर्णय लेंगे। विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि भू कानून और यूसीसी दोनों ही बड़े मुद्दे हैं जो उसके चुनावी अभियान पर पानी फेर सकते हैं। इसलिए विपक्ष ने अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है, सरकार अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। हमारा आरोप है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टि से ये सब निर्णय लेती है, शायद अभी तक सरकार को अपना लाभ नहीं देख रहा है। इस सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो केवल अपने लाभ के लिए निर्णय लिया, अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय लिए, राज्य के हित में या राज्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कभी कोई निर्णय नहीं लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे में ये बात कह चुके हैं कि सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखेगी, लिहाजा इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि सितंबर में होने जा रहा विधानसभा का मॉनसून सेशन सशक्त भू कानून और यूसीसी लागू करने जैसे बड़े सियासी घटनाक्रम का गवाह बन सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विभाग एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। कोटद्वार में वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर वन विभाग की ओर से रविवार को एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। इस दौरान कोटद्वार रेंज में ग्रासटनगंज इलाके में मौजूद ईदगाह के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल ईदगाह में आधा बीघा भूमि वन भूमि में अवैध कब्जा कर बनाई गई थी और जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से ईदगाह की दीवार समेत बाथरूम को भी ध्वस्त कर दिया है। चमोली के सुतोल क्षेत्र में बीते दिनों हुई बारिश के बाद सड़क मार्ग काफी जगह बाधित हो गए थे, जिसे ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करके खोलने की कोशिश की और यही हालात निजमुला घाटी की भी है, जहां मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन किराए पर ली और सड़क को खोलने का काम शुरू किया। उत्तरकाशी के बोन पंजियाला गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। गांव को पैदल पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल पिछले साल आई आपदा में टूट गया था, जिसके बाद वो आज तक नहीं बन पाया। लोगों का ये भी कहना है कि शासन प्रशासन से पुल के निर्माण को लेकर कई बार गुहार लगाई गई लेकिन पुल नहीं बन सका। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। वहीं गांव के लोगों ने जल्द मांग पूरी न होने पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन की बात कही है। जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, अभी
अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई। स्कूल जाने में किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल को पार कर रहे हैं। कोई बच्चा फिसल कर पानी में गिर जाता है। यहाँ जो अनेकों प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को लेके जिला अधिकारी के माध्यम से पहले भी इस बात को रख दिया गया है। स्कूल से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे हमारा खेत भी है यहाँ, और खेत जाने में दिक्कत हो रही, महिलाएं बिल्कुल चल ही नहीं पाती, यहाँ फिसल रहे हैं, यहाँ के सारा वो बिगड़ रखा है स्कूल का, और किसी ने सुनवाई नहीं की और ना हमारी सुन रहे हैं। नहीं तो हम धरना पर खा सभी कार्यक्रम बनाएंगे स्कूल को, जब हमारे बच्चे कोई मर जाएंगे यहाँ। श्रीमती उर्मिला सजवाण, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और पुल एक साल हो गया टूटा हुआ, अभी उसका निर्माण नहीं हुआ। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और टीचरों को भी बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। नैनीताल में बलिया नाले से लेकर आलू खेत तक धसाव की स्थिति है, लेकिन सरकार खतरे के जद में पहुंचे कैंट इलाके में पार्किंग के निर्माण की योजना बना रखी है, वो भी तब जब इसके नीचे वाले इलाके खूपी में जोशीमठ जैसे हालात हैं। केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसका निरीक्षण किया है और कहा कि नैनीताल में 1000 वाहनों की पार्किंग देने की योजना तैयार हो रही है। निरीक्षण के दौरान अजय भट्ट ने अधिकारियों से पार्किंग का प्लान पूछा है। तो जियोलॉजिस्ट जो है, भूगर्भ शास्त्री, उनकी रिपोर्ट तो अंतिम रिपोर्ट होती है, उसका इनकम सारी हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड को जाएगी। ऐसा हमारा विचार है कि अगर ये हम सफल हो गए तो इनकम भी कैंट को ही जाएगी। जोशीमठ में हो रही बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जोशीमठ में कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं हर दिन के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जोशीमठ को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है, ऐसे में यहाँ पर अधिकारियों को किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पद स्तर पर भी हमारे स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है, तहसील स्तर पर भी पूरी तरीके से फुली अलर्ट, एक कंट्रोल रूम भी एक स्थापित है, जिसमें जोशीमठ से संबंधित कोई भी अगर हमें सूचना प्राप्त होती है इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जाए। प्रदेश में इन दिनों साइबर अपराधियों ने फ्रॉड का नया तरीका इजाद किया है। साइबर ठग पहले आपको किसी यूट्यूबर वीडियो को लाइक और शेयर करने के 50 से 100 रुपए देंगे, फिर आपको गूगल रिव्यू के लिए कहकर आपको 200 रुपए तक एक रिव्यू देंगे, और आपको विश्वास में लेकर आपको किसी शेयर कंपनी का मैनेजर और टास्क मैनेजर के साथ पार्ट टाइम जॉब का ऑफर करेंगे और आपसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम से लाखों रुपए वसूल करेंगे। जैसे ही आप पैसे विथड्रॉल करने की बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके साथ साइबर ठगी हो गई है। उसके 50 रुपए 100 रुपए दे दिए जाएंगे, वो आपका विश्वास जीत लेगा, आपको पहला भुगतान हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दोबारा पुनः वो आपको कहेगा कि अब आप टेलीग्राम पे आइए, वहां पे एक टीचर मिलेगा या प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेगा, उस टेलीग्राम के चैनल पे वहां पे आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा और कहा जाएगा कि अब हम आपका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल कोई होगा वहां लगाएंगे, जिसपे आपको वो किसी वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पे हो सकता है क्रिप्टो में निवेश कराए। अब क्योंकि वो आपका विश्वास जीत चुका है और आपको इनिशियल कुछ पैसा दे चुका है, तो आप उसकी बातों में आकर के उसमें अननोन कोई भी मॉडल होगा उसमें पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। नैनीताल में 2 अगस्त को अपनी पत्नी की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को जहर देकर हत्या की है। आपको बता दें 2 अगस्त को तलीताल के नेशनल होटल में महिला की लाश कमरे से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर मुकदमे दर्ज। प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि जो पीड़िता थी उसने इस अभियुक्त के ऊपर 376 और IT एक्ट में एक मुकदमा लिखाया था मुरादाबाद में, जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। और इसके अलावा अभी क्यों हत्या करी, क्या वो था, इस बारे में पूछताछ में अभी कुछ नहीं आया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। उत्तरकाशी के धराली में कल्प केदार मंदिर पूरे हिमालय में शिव का पहला मंदिर कहा जाता है, जिसका संबंध केदारनाथ से भी है। हालांकि ये मंदिर आज भी अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हराली में कल्प केदार मंदिर को पूरे हिमालय में शिव का पहला मंदिर कहा जाता है, लेकिन चार धाम यात्रा में होने के बाद भी ये मंदिर आज भी पूरी तरह से अलग थलग है। ये मंदिर भी केदारनाथ मंदिर की शैली में बना हुआ है। ऐसा हमारे बुजुर्ग इतिहासकार बताते हैं कि पांडवों ने बनाया है। पांडवों पे जब पितृदोष जब लगा था तो आप लोगों ने आपने सुना होगा कि पांडव लोग पहाड़ों की ओर आए, कैलाश की तरफ आए, तो जगह जगह उन्होंने यहाँ एक कल्प केदार में रहली नामक स्थान पे कल्प केदार मंदिर की स्थापना। महाभारत की कथा के मुताबिक केदार से पहले शिव का डेरा हर्षिल धराली के इसी मंदिर में था, जहाँ शिव साधना में लीन रहते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों का जो पहला पड़ाव बना वो धराली ही था। लोग जो अपने गोत हत्या के कारण से गोत हत्या लगी थी उनको, तो भगवान कपिल देव के आज्ञा के अनुसार जो है उत्तराखंड की यात्रा बताई गई उनको, और गंगोत्री में जा करके स्नान करो, फिर भगवान शंकर का जो है जो स्पर्श करो, फिर त्रिवेणी कौन है, ये एक हत्यारिणी है, ये सामने है, एक हत्यारिणी, एक देव गंगा है और एक गंगा मैया है, उस त्रिवेणी में स्नान करके मेरे पे स्पर्श करेगा जो भी है, ऐसा बताया है। 210 मंदिर थे ऐसे सेम, इनमें से 210 में से एक ही मंदिर बताए, 1880 की स्थापित है, इसमें से एक मंदिर बचा भोलेनाथ का, ऐसे तीन मंदिर और थे, गणेश का, कार्तिके का और पार्वती माता का, अभी ये मंदिर रह गया, बहुत मान्यता है इस गाँव वालों की। कल्प केदार में भगवान शिव का अनोखा शिवलिंग तो है, लेकिन इसकी महिमा और मान्यता दूसरे धामों की तरह नहीं है। स्थानीय लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन यहाँ कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा नहीं है। सबसे प्राचीन केदार होने के बाद भी ये मंदिर अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। हालांकि वाइब्रेंट विलेज योजना से ग्रामीणों को कल्प केदार के कायाकल्प की उम्मीद जगी है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द लौटेंगे।